नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गिरीश है, आप देख रहे हैं टेक्निकल गिरीश इंडियन ब्लॉग्स। देखिए दोस्तों, हम लोग आए हुए हैं मंदार हिल यहाँ पे घूमने के लिए। ये है स्थित डिस्ट्रिक्ट बांका और स्टेट जो है बिहार है दोस्तों। तो यहाँ पे हम मंदार हिल पे आए हुए हैं घूमने के लिए। और देखिए दोस्तों, आपको बैक काफ़ी यहाँ पे भीड़ है मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये फैसिलिटी है, इस तरीके की फैसिलिटी है यहाँ पे। रोपवे का आनंद बना रहा है यहाँ पे सत्यम। देखिए दोस्तों, काफ़ी भीड़ है। चलिए अब आगे की तरफ हम लोग चलते हैं और आपको वीडियो में और जानकारी डिटेल देते हैं। काफ़ी देखिए काफ़ी भीड़ है यहाँ पे, इसलिए दोस्तों उन रास्तों को छोड़ दिए हैं कि रास्ता साकरा है और लोग ज़्यादा हैं तो काफ़ी टाइम लग सकता है, इसलिए उन रास्तों को छोड़ के दूसरी पगडंडी इस तरीके के रास्ते से हम लोग चल रहे हैं ताकि कम समय में बहुत ज़्यादा दूरी तय कर सकें। सामान यहाँ पे बेचे जा रहे हैं, थोड़ी सी पेट भर पूजा। देखिए ये जो है एक खाने पीने का यहाँ पे प्रबंध किया गया है, ये रेस्टोरेंट है। और देखिए बाकी यहाँ पे सामान, यहाँ पे छोटे छोटे खिलौने, छोटे बड़े खिलौने, सभी तरह के पूजा के सामान इस तरह का यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे बेचे जा रहे हैं। इस तरह का अलग अलग सामान है यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों, और भी आपको दिखाते जाते हैं। काफ़ी यहाँ पे लोग आए हुए हैं, तरह तरह के लोग आए हुए हैं। और यहाँ पे फोटो भी खींचे जाते हैं। और काफ़ी जो है दुकान है, छोटे बड़े दुकान है यहाँ पे। और काफ़ी ये न्यू ईयर में 14 जनवरी को मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर यहाँ पे मंदार हिल और बांका बिहार में ये जो है यहाँ पे पर्व होती है। और इनके उपलक्ष्य में, मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में यहाँ पे मेला लगाया जाता है। बहुत भारी मात्रा में श्रद्धालु आते हैं और ख़ासकर दोस्तों जैन धर्म के लोग काफ़ी आते हैं और ये आसपास के क्षेत्र के लोग आते हैं और पूजा करते हैं। और देख सकते हैं काफ़ी जो है खचाखच भीड़ लगी हुई है यहाँ पे। देखिए काफ़ी भीड़ लगी हुई है,
आप देख सकते, देखिए दोस्तों काफ़ी भीड़ लगी हुई है मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर। और ये जोखिम में डालते हुए दोस्तों आगे बढ़ते हुए पहाड़ों की तरफ चल रहे हैं। बाकी बहुत ही दुर्लभ रास्ता है और दुर्लभ रास्ता से गुजरते हुए हम आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं दोस्तों। और मैं एक ख़ास बात बता दूं दोस्तों, ये जो है पर्वत है मंदार हिल पर्वत है, ये समुद्र मंथन में इनका उपयोग किया गया था अमृत को निकालने के लिए, लेकिन फिर भी आप लोग को दिखाने के लिए दोस्तों बहुत मेहनत कर रहे हैं। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारे चैनल को। तो देखिए दोस्तों काफ़ी भीड़ है यहाँ पे, और आनंद भी ले सकते हैं। और मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में यह दोस्तों चालू है, और वहाँ पे उसका स्टेशन है, और ऊपर से कुछ इस तरह का नज़ारा यहाँ पे देखने को मिलता है। चलिए दोस्तों आगे आपको दिखाते हैं, और भी तरह तरह की चीज़ें आपको डिटेल में बताते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे ऊपर में भी यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों नीचे से कुछ महंगा मिलता है, क्योंकि नीचे से जो मेहनत लगते हैं लाने में उनके भी पैसे लेते हैं, उनके पैसे लेते हैं। तो आप जब भी यहाँ पे पहाड़ पे चढ़ने के लिए आएँ, घूमने के लिए आएँ, तो नीचे से सामान अपना ज़रूरी सामान पानी बोतल कुछ खाने पीने की चीज़ें अवश्य लाएँ, ताकि आपके कुछ पैसे बच सकें, क्योंकि आने जाने सीढ़ी में काफ़ी भीड़ है। तो इसलिए उसके बगल से इस तरीके का रास्ता जो है से मैं जा रहा हूँ, ताकि आसानी से ऊपर चढ़ सकूँ। देखिए दोस्तों टैटू भी यहाँ पे बनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों आगे हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, और काफ़ी अभी लंबी दूरी तय करना है वहाँ पे की तरफ हम लोग चलते हैं। और यहाँ पे देखिए जो फ़ोटो खिंचाने के शौकीन हैं यहाँ पे खिंचवा सकते हैं। यहाँ पे देखिए चलिए दोस्तों, और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे देखिए बंदर भी है यहाँ पे, उन्हें भी कुछ भोजन पानी मिल जाता है। चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे गर्मी का दिन चल रहा है। हम लोग सत्यम दोनों आए हुए हैं यहाँ पे काफ़ी घूमने के लिए। चलिए आगे देखिए दोस्तों काफ़ी भीड़ है यहाँ पे, और आए हुए हैं यहाँ पे मंदार हिल पर्वत पे, भीड़ है यहाँ पे, और आगे बढ़ रहे हैं हम लोग धीरे धीरे। अभी काफ़ी दूर है जाना, और चल रहे हैं हम लोग अभी। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं काफ़ी कितनी और परेशानी का सामना करना पड़ता है। आगे हम लोग चल रहे हैं, देखिए दोस्तों सामने में कितना खचाखच भीड़ पड़े हुए हैं, और उनका सामना करते हुए लोग जो है चल रहे हैं, और आपको दिखा सकें अच्छे तरीके से। तो बहुत काफ़ी एडवेंचर है दोस्तों, और काफ़ी पहाड़ अच्छा है। हम लोग बराबर आते रहते हैं जब मन करता है घूमने के लिए, तो काफ़ी अच्छा है, माहौल भी है, और यहाँ का बहुत ही एडवेंचर है दोस्तों, बहुत ही अच्छा लगेगा। यहाँ पे आएंगे तो आप एक बार ज़रूर आइए मंदार हिल बांका बिहार, और ये इंडिया में है दोस्तों। चलते हैं आगे, की खतरनाक पहाड़ है,
और हम लोग चल रहे हैं बहुत बैलेंस बनाते हुए। नाक ढलान है यहाँ पे, देखिए बिल्कुल जो है, लेकिन आगे बढ़ रहे हैं। डरावना भी है रास्ता, लेकिन हिम्मत बनाए हुए हैं और आगे। यहाँ पे देखिए, हाँ ये भाई भी थक गया है पूरा, लेकिन आगे बढ़ रहे हैं। देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों, बढ़ रहे हैं। हाँ अरे वहाँ तक नहीं दिखाई जो तो की सुन रहे यहीं ख़त्म हो गया है। अरे देखिए दोस्तों काफ़ी एडवेंचर है ये, और काफ़ी ऊपर तक जाना है हम लोगों को। देखिए हम लोग थक गए हैं यहाँ पे और बैठे हुए हैं कुछ आराम करने के लिए, खाने पीने के लिए बैठे हुए हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों यहाँ पे, और देखिए यहाँ पे हम लोग सब भाई लोग बैठे हुए हैं, अपना जो है कुछ खाना पीना कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, थोड़ा आराम करेंगे। काफ़ी थक गए हैं वहाँ से आते आते, और अब आगे हम लोग बढ़ेंगे यहाँ से, कुछ पानी नाश्ता वगैरह कुछ कर लेते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, फिर आगे हम दिखाते हैं आपको डिटेल व्यू में। तो देखिए मेरा यहाँ पे हम लोग भाई सब बैठे हुए हैं, सब खाना पीना अभी खाएँगे पिएंगे, और भी भीड़ है इधर, और भी हम लोग को अभी और ऊपर जाना है। देखिए दोस्तों काफ़ी ऊपर जाना है वहाँ पे आपको, अभी आधे रास्ते में बैठे हुए नाश्ता वगैरह खा पी लेते हैं दोस्तों, फिर आगे चलेंगे और आगे डिटेल बताएँ। देखिए दोस्तों हम लोग बहुत सारा फ्रेंड आए हुए हैं यहाँ पे घूमने के लिए, और ये रजनीश है, ये भाई बद्री है, हम लोग सब आए हुए हैं घूमने के लिए, काफ़ी एक साथ आए हुए हैं। और यहाँ पे देखिए सत्यम, सत्यम सत्यम इधर, हाँ देखिए यहाँ पे सब हम लोग आए हुए हैं घूमने के लिए, और भी लोग हैं और सब घूम रहे हैं, और आधा रास्ता अभी आए हुए हैं बाकी, और अभी अभी पानी पी और जाना जरूरी है। देखिए थक गए हैं तो आराम कर रहे हैं हम लोग, खा पी रहे हैं, और थोड़ा सा देखिए खाने पीने का भी है व्यवस्था रखे हुए हैं। अभी आगे फिर बढ़ेंगे और आगे चलेंगे अभी। ठीक, अब नाश्ता वगैरह हो गया, अब आगे का सफ़र जारी रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ ये सब कभी नहीं सूखे, कितनों गर्मी रहा कुछ भी रहा नहीं सूखता। सीता कुंड, भीम कुंड, यही सब बोला ही जाएगा। देखिए दोस्तों वो रोपवे हैं, उनका भी फैसिलिटी है दोस्तों, अगर आप इस तरह का सीढ़ी के माध्यम से नहीं जा पा रहे हैं, नहीं जाना चाहते हैं, तो रोपवे का भी मदद ले सकते हैं, उनसे भी जा सकते हैं। चार्जेस दोस्तों मैं आगे डिटेल में बताऊंगा, आगे ऊपर में मैं बताऊंगा क्या चार्जेस है जाने आने का। और काफ़ी भीड़ है, ए इधर जय भोलेनाथ बना रहे हैं, हर हर महादेव। देखिए दोस्तों ये बाबा है, ना ये ना डॉक्टर मना कर लिया, हल्का जल जल, हर हर महादेव, जय गंगा भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। चल गए दोस्तों, पैसा कौड़ी दियो बाबा देना, जय हो, जय हो भोलेनाथ, जय गंगा, जय भोलेनाथ। आओ जाओ नदी, हां आओ जाओ तो, आओ जाओ। हाय देखिए सब व्यवस्था है, देखिए दोस्तों काफ़ी जो है मंदिर है यहाँ पे, जो श्रद्धालु आते हैं पूजा करते हैं। और अभी दोस्तों हम लोग उस पहाड़ की चोटी पे जाना है, और रास्ता बहुत दुर्गम है, अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ भी देखिए दोस्तों यह भी
निर्माण हो रहा है, पानी की व्यवस्था हो रहे हैं और भी आगे डिटेल है दोस्तों। मेरा माल पीना चो संपर्क करिया वहाँ तक ले पीना चो। चलिए दोस्तों आगे की तरफ अब हम लोग चल रहे हैं, काफ़ी अब नज़दीक आ चुके हैं और काफ़ी अच्छा दृश्य है दोस्तों। चलिए जो है काफ़ी है और देखिए दोस्तों वही पहाड़ की चोटी है, मंदिर है, वहीं पे हम लोग जाना है और दर्शन करके फिर वापस आना है। तो काफ़ी दुर्लभ रास्ता है, दुर्गम जगह है, इन परिस्थितियों को पास करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ए सत्याम चल चल जल्दी चल, लेट हो रहे थे। अच्छा लगा, आप लोग भी ज़रूर आइए। चलो सत्याम, देखिए दोस्तों ये अपना खाना पीना है, रास्ते में थक जाए तो पानी, कुछ खाने पीने की सामग्री है साथ लाए हुए हैं ताकि खाते पीते हुए आगे बढ़ें, थकान नहीं हो, जहाँ पे प्यास लगे पानी पिए और आगे बढ़ें। तो ये है दोस्तों बहुत ही व्यू, देखिए बहुत ही दुर्गम रास्ता है और आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। आ? अरे वाह, दो तीन रात के बाद गिरते नहीं चटनी बन जाते। अरे वाह, देखिए इलाका बहुत डेंजर है, बहुत ही खतरनाक व्यू है। फुल कैमरा एक्शन। दुर्गम जगह है, चढ़ते चढ़ते हालत खराब हुई है लेकिन फिर भी आगे बढ़ रहे हैं। देखो सब, देखिए दोस्तों काफी भीड़ है यहाँ पे सीढ़ी के रास्ते से, लेकिन हम लोग दूसरे तरफ से गुजर रहे हैं ताकि जो है भीड़ से बिल्कुल काफ़ी भीड़ है, भीड़ की तरफ ना जाएं, समय बचता है और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। दूसरे रास्ते से हम लोग चल रहे हैं, अब सांस फूल रही है दोस्तों चढ़ते चढ़ते, क्योंकि
काफ़ी चढ़ाइयों के बाद, काफ़ी संघर्ष के बाद अब ये मंदिर आ चुके हैं यहाँ पे, देखिए। और ये मंदिर जो है दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, ये जैन मंदिर है। ये दोस्तों जैन धर्म मंदिर है, जैन धर्म से रिलेटेड ये जैन टेंपल है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये इनकी मंदिर है, चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ। और काफ़ी यहाँ पे भीड़ है मंदिर में, देखिए दोस्तों ये मंदिर है। मंदिर के अंदर जो है दोस्तों, काफ़ी भीड़ है। जय हो प्रभु। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं और काफ़ी भीड़ है इस मंदिर में। और देखिए काफ़ी जो है यहाँ पे जनसैलाब यहाँ पे उमड़ा हुआ है। और भाई लोग अपना जो है YouTube का चैनल के बारे में एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं, देखिए। और ये मंदिर है इनका, देखिए दोस्तों, काफ़ी जो है अच्छा हमको लग रहा है और काफ़ी ही सुंदर है। हम लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं और अपना घूमते फिरते भी हैं। काफ़ी भीड़ है, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। काफ़ी सारे मंदिर है, छोटे बड़े मंदिर है और बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे दोस्तों। यहाँ पे देखिए रोपवे का, यहाँ पे जाने के लिए दोस्तों लाइन में लगे हुए हैं सारे। और देखते हैं यहाँ पे काफ़ी लोग हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखिए आपको डिटेल बता देता हूँ रोपवे का दोस्तों यहाँ पे। और ये देखिए इनका डिटेल टाइमिंग क्या है दोस्तों। टाइमिंग जो है 9 बजे से 1 बजे तक दोपहर तक है, फिर 2 बजे से 5 बजे तक है। और टिकट है इनका 70 रुपये है, ठीक है दोस्तों, ये 70 रुपये प्रति व्यक्ति है। और ये पूरा डिटेल है आप देख सकते हैं। और फिर ये सर हैं और काफ़ी यहाँ पे भीड़ लगे हुए हैं, काफ़ी यहाँ पे जनसंख्या भीड़ लगे हुए हैं और सभी जो है अपने बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। काफ़ी लंबा भीड़ यहाँ पे है। और देखिए मैंने दोस्तों सारी डिटेल बता दी है और ये इनका है। फिर चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं।